यस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम है अभी कुछ दिन बाद, कंपार्टमेंट का या फिर इम्प्रूवमेंट का। सबसे पहले उनको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं और CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है। बस आपके एडमिट कार्ड जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास की बात करूँगा, जिनके पास दो ऑप्शन है अभी, दो पेपर दे सकते हैं वो। 12th वालों का सिर्फ एक ऑप्शन है, वो या तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उनका एक में दे सकते हैं, अगर उनका कुछ कंपार्टमेंट वगैरह आई है। अगर दो हैं तो वो रिपीट सेशन करेंगे। तो इस बार 10th क्लास का जो है, दो आपके पास सब्जेक्ट है, या तो मैथ, और मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ साइंस, मैथ और साइंस की बात करूँगा। और जो मेन चैप्टर हैं आपको कौन से करके जाने हैं और क्या नहीं करना है, वो सारी मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। आपको यहाँ से इस बार के पेपर में मिला था आपका 6 मार्क्स का मार्क्स, तो 6 मार्क्स बहुत अपने आप में एक लार्ज वैल्यू है, बड़ा अमाउंट है पास करवाने के, पास और फेल करवाने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। दो फॉर्मूले हैं सिर्फ, एक AN का और एक सम का, और आप इजीली कर सकते हैं इनको। और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ऐसा कुछ नहीं है कि नया, वैल्यूज चेंज होती हैं, वो आने वाले ऐसे दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, इसमें से आपको 5 मार्क्स का इस बार भी क्वेश्चन मिला, अगली बार भी, और इस वाले पेपर में भी बिल्कुल मिलेगा आपको। इसमें से फिर दोबारा से आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो आपका डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था आपका सेक्शन फार्मूला। मैंने बहुत ज़बरदस्त 6 क्वेश्चन अब तक आपको दे चुके हैं दो वीडियो के थ्रू, तीसरी वीडियो में 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिसमें से सिर्फ आपको रिपीट प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हमारे सर बोला करते लेस स्टडी लेस प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम एंड नो स्टडी नो प्रॉब्लम। तो ऐसा भी नहीं है, अभी आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखें और आप काम करें। तीसरी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इस बार 11 या 12 मार्क्स की आई थी है जितना मैंने देखा। एक पोर्शन इसका आइडेंटिकल पार्ट है, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस है। आइडेंटिकल पार्ट में भी दो हैं इसके, एक तो वैल्यू पुटिंग करते हैं हम और दूसरा आइडेंटिकल बेस पे। आइडेंटिकल वाला छोड़ देना, टेंशन अगर मतलब लेनी है तो कर लेना, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस पे ध्यान देना, दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक 2 नंबर में एक 3 नंबर में। एग्जाम्पल्स मत छोड़ना NCERT के, और जितने भी वो 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो 100% करके जाने हैं, बाकी की वीडियोज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। अगला चैप्टर है जो मेंचुरेशन 3D में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपके चैप्टर नंबर 13 मिलेगा आपको आपकी बुक में, और इस बार ये सिर्फ 5 नंबर का आया था, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, जिसमें सिलेंडर और हिमस्फीयर की बात हुई थी। तो बड़ा आसान है, सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए थे, उठाना था सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था, फ्री के नंबर 5 दे के चला गया। तो ये आसान है, इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और चैप्टर, अगर किसी बच्चे के फॉर्मूले याद नहीं है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी वीडियो आ रही है जिसमें मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले जनरेट हुए, बस वो देखना है और बाकी आपको अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आती है आपका प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिनका मार्जिन 3 से 4 नंबर का होगा। आपको क्या करना है, इसके NCERT के एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं, और बाकी एक वीडियो मैं भी बनाऊंगा इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और लास्ट में इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, पहले ही सेक्शन में आपको मिलेंगे, जिसमें वो आपको के या किसी और चीज़ की पी की वैल्यू पूछेगा कि दिस इक्वेशन हैव द सेम रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे करके, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो भी लगाने को मिलेगा, स्टेटमेंट वाइज वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। नेक्स्ट वन सरफेस एरिया एंड सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 है आपका, इससे आसान चैप्टर मैं नहीं मान सकता। सर्कल, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, या फिर आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, इन सारों का एरिया और पैरामीटर का पूरा बेजोड़ निचोड़ लेके वो किसी एक अलग फिगर में इन्वॉल्व कर देता है और शेडेड पोर्शन की रिक्वायरमेंट करता है। बहुत आसान है, बेसिक फिगर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप मैथ में अगर इतना करके जाते हैं, आई होप आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर ध्यान देना, आपको हैंड राइटिंग सही रखनी है, जिससे कि आपको और एग्जामिनर को क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप लिखो वो दिख जाए इजीली। अब बात करते हैं साइंस की। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ आप। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या, वैसे तो सारा कंप्लीट ही होगा आपको,
कैटिनेशन पावर है इसकी, वर्सेटाइल नेचर है इसकी, एलोट्रोपी फॉर्म है कार्बन की, और फॉर्मूले कैसे बने हैं, ब्रोमोपेंटेन क्लोरोपेंटेन वगैरह सब ये तो आता ही होगा। उसके बाद एक इसमें रिएक्शन है एस्टरफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन, दोनों एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है। ये इस बार के 5 मार्क्स में तो इतना बड़ा मार्जिन था इसका। इसी के साथ आपका सोप है, सोप आप सोप को पढ़ के जाएंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है, इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट वन इज एथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, क्योंकि मेन कंपोनेंट है कार्बन का इसलिए आपको ये करके जाना है। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आई होप चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में मैं मान के चल रहा हूँ बहुत कुछ तो आता होगा आपसे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या फिर रिएक्शन एसिड से और बेस से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से आपसे बैलेंसिंग या फिर रेस्टिंग पूछी जा सकती है, ऑक्सीडेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपकी जितनी भी रिएक्शन थी वो सारी आप करके जाएंगे। सिंपल सिंपल सी बैलेंसिंग आएगी जरूर। चैप्टर नंबर 2 से फैमिली ऑफ साल्ट, ओ वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, POP, जिप्सम, प्लीज़ भाई करके जाना इनको क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछेगा, इनका यूज़ पूछेगा, ठीक है। और बात करते हैं अब लाइट की, लाइट मेरा फेवरेट चैप्टर है फिजिक्स में से, ठीक है। न्यूमेरिकल बनेगा कॉनकेव मिरर पर 100%, 101% लिखवा के ले लो, ठीक है। मैं कराऊंगा वीडियो, बहुत जल्दी आने वाली है, एक एक दिन में दो दो वीडियो होगी। लेकिन यार सबसे पहले मैं आपका थैंक यू तो कर दूं, 4 दिन में 4 व्यूज़ यार, 4 दिन में 4 व्यूज़ भाई भयंकर, मतलब मुझे नहीं लगता इससे बेकार चैनल किसी यूट्यूबर का चल रहा होगा, थैंक यू यार। लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे हम। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पावर, पावर पे पहले भी आए हैं क्वेश्चन एक एक नंबर में, इस बार भी आएंगे और हम करके जाएंगे। अगला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, बायोलॉजी का पार्ट है थोड़ा सा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात हो रही है, कैसे फैलते हैं, रोकथाम कैसे करनी है, करके जाना आपको पूरा मिलेगा नंबर। और उसके बाद ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हार्ट इम्पोर्टेंट है, करके जाना। इसी में से इसका एक और भाई है जिसका नाम है वंडरफुल फुलेमनाज वगैरह, आई से रिलेटेड है, आई का डायग्राम, उसके डिफेक्ट्स, उसके करेक्शन, सब चीज़ करके जाना। वाई इसका ये अपीयर्स ब्लू, मतलब उसके कलर्स का फिनोमिना जितने भी हैं 4-5, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हाँ ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, पता होना चाहिए। इधर आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर करके जाओगे और सोलेनाइड, सोलेनाइड तो बिल्कुल भी बूझेंगे भूलेंगे करना। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके बाद इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है पास होने के लिए। और जो बच्चा भी ये सोच रहा हो ना कि 80 में से 80 लाने हैं भाई, तो रिपीट करेगा सेशन, लिखवा के ले ले, नहीं करना ऐसा, नहीं करना, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आना इसका। 2 ऑप्शन है आपके, कम करो सटीक करो और पास हो जाओ, या फिर सारा करो और हो भी सकता है भगवान ना करे आपको सेशन रिपीट करना पड़ जाए, तो इस चीज़ से बचना है, सारा नहीं पढ़ना है, मेहनत करो लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो, 4 व्यूज़ के 8 तो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से कंटेंट के साथ, ठीक है।